भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनको सगोद का लजीज उपहार बतौर सौगात भेंट करती हैं। ज्वालामुखी के पुराना बाजार में बरसों से एक दुकान पर सगोद बनाई जाती है जो कि खाने में बहुत ही लजीज होती है। इसे मैदा से बनाया जाता है और काफी घंटों की मेहनत से घी में तलकर इसे तैयार किया जाता है। ज्वालामुखी में काके की दुकान की मशहूर सगोद खाने वाला बार बार इसे खाने की इच्छा रखता है। ये लजीज पूरी की तरह दिखने वाली सगोद कुछ दिनों तक खराब भी नहीं होती और इसे खाने में अलग ही मजा आता है। दुकान के मालिक श्याम सुंदर काका बताते हैं कि उनके पिताजी पहले इसको तैयार करते थे, फिर इसको बनाने की कला उन्होंने भी सीखी और अब प्रतिवर्ष दिवाली के कुछ दिन पहले ही बनाया जाता है और भाई दूज से पहले तक इसकी एडवांस बुकिंग रहती है। बहनें अपने भाइयों को देने के लिए इसे किलो के भाव से खरीदती है। इनको खरीदने के लिए दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती है। खरीदने वाले इन्हें देश व विदेशों तक भी भेजते हैं। सगोद 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है और जैसे जैसे इसकी बिक्री बढ़ रही है कई लोगों को दुकान से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ज्वालामुखी में ही ये सगोद मिलती है और जिला कांगड़ा में ये काफी मशहूर है। ज्वालामुखी में कई दुकानों में इसे अब बनाया जाने लगा है लेकिन पुराना बाजार की एकमात्र दुकान पर मिलने वाली सगोद का जायका बरसों तक नहीं भूलता। मैं पुराने बाजार का दुकानदार हूँ। ये सगोद जो है हमारे खुद से बनाई जा रही है। ये भैया दूसरे दिन रहने अपने भैया को सुगात देती है लंबी आयु की। तिलक लग भैया को तिलक लगा कर लंबी आयु का कामना करती है। लंबी आयु की दुआ करती है। ये जो सगोते हैं ये हमारे हिमाचल का पूरे हिमाचल में कहीं नहीं बनती हैं। ये सिर्फ यहाँ काके की काका और काके की छाड़े की दुकान पे बनती है, ज्वालामुखी में बनती है। और इनका जो खा जाता है उनका इसका कोई जवाब नहीं है। इसका किसके लिए बार बार मंगवाता है और ये भाई दूज के लिए विशेष पूजन होता है। भाई दूज में ठीक है तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उसके इसका विशेष महत्व है। सगोते हैं भैया दूज के उपरांत पहले अपने भाइयों को टीका लगाती हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होती हैं और देश विदेश तक जाती हैं। बहुत प्रसिद्ध दुकान है पुराने बाजार में ज्वालामुखी। PLTV के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।